अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? नई नई आवाज़ें सीख रहे हैं जी? कैसे आवाज़ें सीख रहे हैं? किसी भी आवाज़ के साथ जोड़ रहे हैं तो नई आवाज़ बन रही है ना? कितना मज़ा आ रहा है। अब आप नई से नई आवाज़ें बना सकते हैं, आराम से दो और फिल्म्स बना सकते हैं। आपको तो सारी आवाज़ें आती हैं, आवाज़ें आती हैं सारी, हमने सारी आवाज़ें सीखी हुई हैं। आप हर आवाज़ के साथ में अ लगाइए और दो हरफ लफ्ज़ बना लीजिए, ठीक है? खुद भी बनाइए, अपने दोस्तों को दीजिए कि भाई अब जो है आप इस आवाज़ के साथ में दो हरफ लफ्ज़ बनाएं। उनको बताइए कि किस तरह से किसी भी आवाज़ के साथ हम अ लगाते हैं तो वो दो हरफ लफ्ज़ बन जाते हैं, ठीक है? यानी कि अब हमें दो हरफ लफ्ज़ बनाना आराम से आ गए। आज हम करेंगे नया काम। जी, हम रोज़ाना नया काम कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है नया काम करते हुए? वेरी गुड, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज हम खोलेंगे नया पेज, और पेज नंबर कौन सा मौजूद है हमारे पास? पेज नंबर मौजूद है 14। 14 सफ़ा नंबर मौजूद है हमारे पास। इस सफ़े पे हम क्या देख रहे हैं? जी, आज फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत से अल्फाज मौजूद हैं। मुश्किल लग रहा है पढ़ना? नहीं भाई, ये बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है। आप ज़रा गौर से देखें इसको कि ये कौन सी आवाज़ें हैं, ठीक है? लेकिन हम इसको स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन आइकन्स को देखेंगे। आइकन्स हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं? हमारे पास तीन आइकन्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले मौजूद है क्या मौजूद है? जी, कुछ लाइन्स बनी हुई हैं, फिंगर रखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है, यानी कि हमें इस पेज पे सबसे पहले पढ़ना है। दूसरा है लकीर बनी हुई है, उसे पेंसिल रखी हुई है, इसका मतलब हमें लिखना है। यह आइकन हमसे क्या कह रहा है? लिखिए लिखिए, पहले पढ़िए फिर लिखिए, ठीक है? इसके बाद बिल्ली साहिबा मौजूद हैं, और बिल्ली साहिबा के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक कलर रखा हुआ है। तो बिल्ली साहिबा हमसे कह रही हैं कि रंग भरिए रंग भरिए, ठीक है? यानी कि पहले पढ़ना है, फिर लिखना है, और फिर रंग भरने हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? तारीख लिखेंगे। आज की हम यहाँ पे तारीख लिखेंगे। चले जी, अब हमारे पास नज़र आ रहे हैं आपको कुछ लफ्ज़। हमने कल सीखे थे दो हरफी अल्फाज, सीखे थे ना दो हरफी अल्फाज। अब देखेंगे दो हरफी अल्फाज से हम किस तरह से आसानी से चार हरफी अल्फाज बना रहे हैं। जी, ये है ब, ये है ट, ट और ये है प, ट प, ट प, ये दोनों मिलके क्या बन गए? टा प। जी, टा प, ये हमारा दो हरफी लफ्ज था, ये हमारा दो हरफी लफ्ज़ था, ठीक है ना? हमने इन दोनों को मिला लिया तो क्या बन गया? चार हरफी लफ्ज़ बन गए। कितने आसानी से बन गए, यानी कि हमें पहले अच्छे से दो हरफी अल्फाज बनाने आने चाहिए। अगर हमने उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो हम आसानी से चार हरफी अल्फाज बना सकते हैं। ट प, ट प, च च, च चा चा चा, चा 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 चा। जी, कितनी आसानी से हम पढ़ रहे हैं ना? जी, आगे देखिए, च टा, च टा, च टा। जी, च टा, टापा, कैसे हम टाप रहा है ना? टापा, चाचा, ये चाचा जी हैं। जी, चाचा, चाटा, चाटा, आइसक्रीम चाट रही हैं बिल्लू साहिबा। जी, अब हम करते हैं नीचे, देखें क्या लिखा हुआ है। ये पा 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 पा। जी, आगे है टा 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 टा। वेरी गुड, अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है बा 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 बा
देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हमने दो हर्फी लफ्ज के साथ में चार हर्फी अल्फाज बनाना सीख लिए ना जी। अब आपने क्या करना है कि आपने इनको पढ़ना है पहले, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे कि वीडियो बार बार देखेंगे, ठीक है, बार बार देखेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये चार हर्फी लफ्ज बन रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको लिखने की कोशिश करेंगे। लिखना आप लोगों को आता है तो आप यहाँ पे इनको लिखेंगे दोबारा, और लिखने के बाद ये सारी तस्वीरें जो हैं, इन सब तस्वीरों पे आप रंग भरेंगे, अच्छे से कलर भरिएगा। और फिर जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप टीचर को बताइएगा कि आज हमने किस तरीके से दो हर्फी लफ्ज़ के साथ चार हर्फी अल्फाज बनाना सीखे, ठीक है। आप उनको भी बताइएगा कि किस तरह से हमने बनाए हैं, ठीक। उसके बाद आप इनको ये काम की तस्वीर भेज दीजिएगा, फिर वो आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद कल हम आएंगे और नया काम स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।